दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे कि BTS के जो डांस होते हैं और उनकी जो भी कोरियोग्राफी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, और कभी अगर आप उसको डेली प्रैक्टिस करें तो आपको समझ में आएगा कि ये कोरियोग्राफी आपको कितना ज़्यादा थका सकती है। लेकिन जब BTS के मेंबर स्टेज पर होते हैं और उन्हें लगातार परफॉर्म करना होता है, साथ ही गाना भी गाना होता है, तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हैवी टास्क हो जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक कोरियन रिपोर्टर ने एक बार एक न्यूज़ में शेयर करा था कि किस तरह उसने देखा कि डांस करने के बाद BTS मेंबर को स्टेज के पीछे आते ही तुरंत ही ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत पड़ गई थी। यही नहीं बल्कि वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ था और ये पूरी बात क्या है, ये जानने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है। तो दोस्तों, कुछ वक्त पहले K-pop आइडल चार्ट की एक वीडियो शेयर करी गई थी, जहाँ पर 3 कोरियन रिपोर्टर्स अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि वो किस तरह BTS से मिले और उनका इंटरव्यू लिया। तो दोस्तों, ऐसे ही एक रिपोर्टर ने E-Daily न्यूज़ में एक स्टोरी शेयर करी जो आर्मीज को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो दोस्तों, उस रिपोर्टर ने काफ़ी सारे लोगों को न्यूज़ चैनल पर बताया कि वो एक अवार्ड सेरेमनी में BTS से मिले थे और उनके एक्सपीरियंस को भी उन्होंने देखा था। तो उन्होंने बताया कि ये बात गोल्डन डिस्क अवार्ड्स की है। उन्होंने बताया कि जब BTS परफॉर्म कर रहे थे तो उस समय वो स्टेज के पीछे थे और उनका इंतज़ार कर रहे थे, और BTS ने 2-3 गानों को परफॉर्म किया था और वो स्टेज से नीचे आ रहे थे। लेकिन उसके बाद उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया। दोस्तों, उसने रिवील करा कि जैसे ही BTS मेंबर स्टेज छोड़कर पीछे आए, उन्हें तुरंत ही ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत पड़ गई। वो इतने ज़्यादा थक चुके थे कि अगर उस मोमेंट पर उन्हें ऑक्सीजन नहीं दी जाती तो वो सांस भी नहीं ले पाते, और ये पहली बार उन्होंने अपने पूरे एक्सपीरियंस में किसी के साथ ऐसा होते हुए देखा होगा। उन्होंने बताया कि कुछ टाइप के पोर्टेबल रेस्पिरेटर्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन टैंक लगा होता है, तो जैसे ही BTS स्टेज के पीछे आए, उन्हें इन्हीं रेस्पिरेटर से ऑक्सीजन दी गई। इसके साथ साथ उसने ये भी बताया कि ये चीज़ देखने के बाद उसे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि BTS अपनी परफॉर्मेंस में अपना सब कुछ डाल देते हैं। उनकी बॉडी में जितनी भी एनर्जी होती है वो उस परफॉर्मेंस में पूरी एनर्जी के साथ परफॉर्म करते हैं, इतना ज़्यादा कि वो सच में अपनी सांस खो बैठते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो अपनी सांस भी सही से नहीं ले पा रहे होते हैं, वो इतना ज़्यादा थक जाते हैं। और दोस्तों, हम फील कर सकते हैं कि जब BTS बहुत ही लंबे समय तक परफॉर्म करते रहते होंगे, या फिर काफ़ी सारे सॉन्ग्स को एक साथ करते होंगे, या फिर कॉन्सर्ट्स में जब परफॉर्म करते होंगे, तो उनकी हालत कैसी हो जाती होगी। उस टाइम पर तो उन्हें बहुत ही छोटे छोटे ब्रेक्स मिलते हैं और शायद कॉन्सर्ट्स पे भी उन्हें ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत पड़ती होगी। दोस्तों, इसके साथ साथ उस रिपोर्टर ने ये भी बताया कि अपने जॉब के एक्सपीरियंस में उन्होंने बहुत ही सारे K-pop आइडल्स का इंटरव्यू लिया है, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं देखा, यानी उन्होंने कभी भी इतनी शिद्दत से किसी भी आइडल्स को परफॉर्म करते हुए नहीं देखा कि वो अपनी सांस ही खो बैठे और पूरी तरह से बेहोश ही होने वाले हों। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि वो BTS का इंटरव्यू लेने चाहते थे, लेकिन क्योंकि वो इतना ज़्यादा थक चुके थे कि वो उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछ पाए, और उनकी कंडीशन देखने के बाद वो उनसे कोई सवाल पूछना भी नहीं चाहते थे। उन्होंने बस ये महसूस किया कि BTS के फैंस बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि BTS उनके लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हैं, और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है? उस न्यूज़ रिपोर्टर ने जो भी बताया वो चीज़ें आपको कैसी लगी, मुझसे कमेंट्स में शेयर ज़रूर करिएगा। इसके साथ साथ अगर हमारे चैनल की वीडियो आपको बहुत पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।